हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेट्स लर्न फोनिक बी में पढ़ेंगे सिंगुलर और प्लूरल। ओके, जो हम पहले भी इंग्लिश प्राइमर की बुक में पढ़ चुके हैं, आज हम इस बुक में इसको फिर से वह रिपीट करेंगे। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर किसे कहते हैं? जब हमारे पास कोई वन ऑब्जेक्ट रहता है, ये वन एक वस्तु रहती है, ये एक थिंग्स रहता है, उसको हम सिंगुलर बोलते हैं। और जब वहाँ पे एक से अधिक हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है इफ़ देयर इज वन नंबर ऑफ समथिंग और ऑब्जेक्ट से सिंगुलर। ओके, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रहता है या कोई एक वस्तु रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। एंड सेकेंड क्या दिया है? इफ़ देयर इज़ मोर देन वन ऑफ सम थिंग्स और ऑब्जेक्ट प्लूरल। जब हमारे पास एक से अधिक वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्लूरल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे दिया है, ये देखिए ये सिंगुलर्स का कॉलम है एंड देन प्लूरल्स। ये डॉग सिंगुलर है और डॉग्स प्लूरल हो गया। ओके, पेन एंड पेन्स, कैप कैप्स, फ्लावर फ्लावर्स, फ्रूट फ्रूट्स, ये क्या हो गया? ये सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया। ओके, इसको हम अब करेंगे और लर्न भी करना है हमें। यहाँ पे हम आते हैं एक्सरसाइज में। आप दिए ज्वाइन द पिक्चर शोइंग वन ऑब्जेक्ट्स विद एस एंड पिक्चर शोइंग मेनी ऑब्जेक्ट्स विद पी, एस फॉर सिंगुलर एंड पी फॉर प्लूरल। ओके, यहाँ पे एस एंड पी राइट किया हुआ है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, उनको हम सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स को सिंगुलर से मैच कराएंगे एंड प्लूरल ऑब्जेक्ट्स को प्लूरल से मैच कराएंगे। ये फ्लावर है तो सिंगुलर हो गया, काइट प्लूरल, प्लेट सिंगुलर, और ये कैरट प्लूरल्स, बटरफ्लाई, बॉल्स, पेंसिल्स, सॉक्स, ये हमारे होंगे प्लूरल ऑब्जेक्ट्स। ओके, एंड चॉकलेट्स, टॉफी, काइट, फ्लावर, प्लेट, ये सिंगुलर हो गए। ओके, ये एक्सरसाइज हम करेंगे। और यहाँ पे जो साउंड दिया है, द ई ए साउंड एंड डबल ई साउंड, इसको हम अपनी कॉपी में राइट करेंगे। यहाँ पे भी दिया है आई विथ म्यूट ई एंड आई एन जी एच साउंड। ओके, यहाँ पर दिया है पी वाई टाई फाइव वाइट नाइन। ओके, इन वर्ड्स को अपनी कॉपी पे राइट करेंगे और लर्न करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नहीं, पहले हम इतना आज एक्सरसाइज कर लेंगे, फिर कल हम आपको आगे बताएंगे। ओके, बाय।